गुड मॉर्निंग क्लास सर, दिस इज एक्सरसाइज ऑन दी सब्जेक्ट मैथ। एक्सरसाइज नंबर 2.2 अपने कंटिन्यू थी, अपन ने इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो प्लेसेस वैल्यू का था, एक्सपेंडेड फॉर्म टू प्लेस वैल्यू का था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, इन एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर राइट मिसिंग डिजिट, ठीक है। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बनाते हुए मिसिंग जो डिजिट है यानी कि जो ब्लॉक है वो फिल करने हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी फिल कर लिया है, मैं आपको बताती हूँ ये कैसे फिल हुए, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये दे रखे हैं 1000, यानी फोर डिजिट नंबर है तो ये होते हैं 1000 के, ठीक है। इसके अंदर 1000, 100, 10 एंड 1 होते हैं। चार डिजिट से मिलकर बना हुआ और चार फॉर्म से मिलकर बना हुआ होता है 1000, 100, 10 एंड 1। जो लास्ट डिजिट होती है वो होती है वंस की, उससे के जस्ट नेक्स्ट जो होती है वो होती है टेंस की, उसके बाद होती है 100 की एंड लास्ट होती है 1000 की, ठीक है। फोर डिजिट है, फोर कॉलम अपन ने बना लिए हैं, उनको फिल कर लिया है। लास्ट वाला कॉलम है वंस का, तो वंस वाली वैल्यू कौन सी है 6, तो अपन ने उस कॉलम में जो मिस नंबर है वो लिख दिया 6। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है टेंस का, टेंस की जगह जो नंबर दे रखा है वो दे रखा है 0, अपन ने राइट कर लिया टेंस के आगे 0, ठीक है। उसके बाद आता है 100 का, तो अपन ने नंबर 100 की जो डिजिट है वो है 2, अपन ने उस कॉलम में फिल कर लिया 2, ठीक है। एंड लास्ट 1000 वाला कॉलम है, 1000 वाला जो डिजिट है वो है 7, अपन ने क्या फिल कर दिया बॉक्स में 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू है 4049, ये भी 4 डिजिट नंबर है। इसमें जो वंस की वैल्यू है, वंस की जगह अपन ने फिल कर दिया 9, टेंस की जगह फिल कर दिया 4, 100 की जगह फिल कर दिया 0 एंड 1000 की जगह फिल कर दिया 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 8960, ये भी 4 डिजिट नंबर है यानी 1000 डिजिट नंबर है। वंस की जगह पुट कर दिया 0, टेंस की जगह पुट कर दिया 6, 100 की जगह पुट कर दिया 9 एंड 1000 की जगह पुट कर दिया 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर है 9853, वंस की जगह 3, टेंस की जगह 5, 100 की जगह 8 एंड 1000 की जगह 9, ठीक है। इस तरीके से अपन ने ये बॉक्स को फिल कर लिए। अगर ये 10000 वाली डिजिट होती तो एक बॉक्स और भर के अपन राइट कर देते 10000, तो वो डिजिट 10000 वाले बॉक्स में फिल हो जाता, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, राइट इन योर क्लियर नोटबुक, ठीक है। अब अपन से आगे क्वेश्चन नंबर 3 कल की वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।